जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे नसबंदी करवाने के बाद बच्चे को जन्म देने वाली मां की, जिसका मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। पत्नी बकरी चराकर और पति मजदूरी कर अपने 6 सदस्यीय परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण करते थे। मंजू देवी 4 बच्चों की माँ बनने के बाद 5वां बच्चे का बोझ न पड़े इसलिए नसबंदी करवाई, लेकिन नसबंदी करवाने के 2 साल बाद उसने अनचाहे बच्चे को जन्म दे दिया। यह मामला है सीतापुर जनपद के सीएससी मछरेटा का, जहां 2019 में मंजू देवी ने सीएससी मछरेटा में नसबंदी करवाई थी। 2 साल बाद जब 5वें बच्चे का जन्म हुआ तो उसने उनके भरण पोषण के लिए बतौर मुआवजे की मांग जिम्मेदार डॉक्टरों से की। मंजू देवी और उसका पति रामकिशन सीएससी से लेकर सीएमओ के कार्यालय तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब थक हार कर मंजू देवी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नसबंदी के बाद बच्चा होने पर मुआवजे की मांग की। बेहद गरीब मंजू देवी गढ़ी सेन गांव की रहने वाली है। वह बकरी चराकर और पति रामकिशन मजदूरी कर खर फूस के मकान में जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता है। पहले हम आपको नसबंदी कराने के बाद बच्चे को जन्म देने वाली मंजू देवी ने जो जानकारी दी वह सुनाते हैं। लड़की हुई मछरेटा में, ऑपरेशन करवाए, 5 साल हुए थे, 2 साल बाद लड़की हुई, नसबंदी करवाए थे। फिर वहाँ गए तो कुछ सुना नहीं गया, कहें साहब जो 10-5 के हाथ दे दो तो दे दो, तो कहे कुछ ना बताए। तब हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में कल जवाब आया था कि तुम जीत गई ने, अब जोगी का जवाब बचा है देने का। पालन पोषण 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी कर लाते हैं हम लोग, बकरी चराते हैं, वह से कमाई दिखाई दे। पहले 3 लड़की 1 लड़का, ऑपरेशन बाद लड़की हुई है। आपने सुना, मंजू देवी ने बताया कि उसके पहले से 3 बेटी और 1 बेटा था, जिनका भरण पोषण करना उस गरीब के बस की बात नहीं थी। महज 1.5 बीघा खेती है, कैसे अपने बच्चों का पेट पाले और कैसे उनकी पढ़ाई कराए, इसलिए उसने नसबंदी कराई थी। लेकिन फिर भी 5वीं बेटी का जन्म हो गया। मंजू देवी के भतीजे अनिरुद्ध ने बताया कि उसने भी पत्नी की नसबंदी कराई थी साथ में ही, लेकिन वह सफल है। लेकिन मंजू देवी की नसबंदी क्यों फेल हो गई यह वह नहीं जानता। भैया क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध कुमार। ये मंजू देवी कौन है आपकी? हमारी आंटी। क्या हुआ है, कैसे इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? इनकी और हमारी बीवी की नसबंदी एक ही दिन हुई थी, लेकिन हमारी नसबंदी सही रही। इनका करीब नसबंदी के बाद 2 साल बाद बच्चा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, कार्रवाई की डॉक्टर से, यहाँ फिर आशा से मिली, अरे बहुत कुछ हुई। जब कुछ नहीं हुआ तब हाई कोर्ट में फैसला डाल दिया। फिर क्या हुआ हाई कोर्ट का हिसाब किताब हमें नहीं पता है। इनके जमीन उमीन कितनी है इनकी? जमीन करीब होगी 100 बीघे। इनका कैसे परिवार चलता है? परिवार यही खेती बाड़ी बाकी मजदूरी से ज्यादा चलता है। इनके बच्चे कितने थे? बच्चे 3 पहले थे और उसके बाद 1 बच्ची हो गई, नहीं 4 थे लेकिन 1 खत्म हो गई थी, छोटी बच्ची थी। 5 बच्चे? हाँ 5 बच्चे थे।
आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बाकी एक ही दिन हुआ था, क्या हुआ इनका ऑपरेशन पता नहीं। आपको बता दें कि बध्याकरण यानी परिवार नियोजन के तहत ऑपरेशन करने के बाद अगर गर्भ ठहरा तो ऐसे लाभार्थी पुरुषों या महिलाओं को 30,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक मुआवजा दिए जाने का आदेश हाई कोर्ट से पूर्व में कई मामलों में हो चुका है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो मुआवजा और बच्चे को एजुकेशन का पूरा खर्च सरकार को उठाने का आदेश भी दिया हुआ है। मंजू देवी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने याचिका पर सीतापुर के सीएमओ को मुआवजे के दावे पर गौर कर 4 हफ्ते में इस समुचित प्राधिकारी को भेजने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश मंजू देवी की याचिका पर दिया है। सरकारी वकील के मुताबिक सीएमओ ने महिला की अर्जी को परिवार नियोजन के महानिदेशक को भेजा था, लेकिन अर्जी में 2 दस्तावेज गायब होने पर मुआवजे का दावा नहीं मंजूर हुआ। कोर्ट ने मछेटा सामुदायिक केंद्र के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह में याची के दावे की अर्जी के साथ पूरे दस्तावेज सीएमओ को भेजें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीएमओ दावे का परीक्षण कर संबंधित प्राधिकारी को भेजें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।